तो रात को कितने बज रहे हैं? एक 18 हो रहा है, ये आप लोग देखो 1:18 हो रहा है। और बाबू दूध काफ़ी देर से पिया था और अलर्ट लगाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है, ऐसे हो जाता है। बेटू नहीं, मैं बच्चा डुक्कू भी नहीं सोए थे गाइस, और जब मेरा 3 मिनट सोने का चाह रहे थे फिर सो नहीं पाया। क्या जरूरत है, हम लोग को तो दाल तो चाहिए ही चाहिए। नहीं वैसे कुछ होता है आप। लेटेस्ट आया है और किट्टो यहाँ पे खाना सैलेड भी निकाल रही है। भाई साहब क्या लड़का लग रहा है, कौन है ये? मेरा पति है। हे गाइस कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है मेरे टेक्निकल किट्टो जयसवाल के नए चैनल पे। तो रात को कितने बज रहे हैं? एक 18 हो रहा है, ये आप लोग देखो 1:18 हो रहा है। और बाबू दूध काफ़ी देर से पिया था और अलर्ट लगाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है। तो मैंने काफ़ी देर से मतलब कि 10:30 बजे को बाबू का मैं कमरा चेक करती रहती हूँ कि दो तीन घंटे भी मुझे आदत हो गई बाबू को दूध पिलाने का। काफ़ी देर से पिलाए थे और उसने ढिकार नहीं लिया था, तो अभी मैं सोची कि ना काफ़ी देर से मैं इसको करवट करके सुलाई थी कि अब उसका कुछ हो जाएगा ले लेगा, लेकिन उसने ले आने और जैसे ही सीधे सुलाया मैं बोली काफ़ी टाइम हो गया सीधा सुला देते हैं, लेकिन जैसे सुलाया खांसने लगा और ये यहाँ पे उसको ढिकार दिलवा रहे हैं लेकिन अभी तक ढिकार नहीं दिया। और जैसे ही वो गोद ऐसे पाते ना तुरंत सो जाता है। अब 1:30 बज रहा है अभी तक सोए नहीं है, बताइए उसी में लगे हुए हैं। सो जाता तो हम भी सो तो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो ढिकार नहीं लिया है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो गैस आप लोग ये चीज़ कमेंट करके बताना, क्या 1 पॉइंट पंखे ऑन करके हम सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है और मच्छर भी काट रहा है, तो इसकी वजह से नींद नहीं आती है। एक तो गर्मी पसीने में दम डूब जाते हैं, अब थोड़ा बहुत जैसे कि 1 पॉइंट पंखा चालू करके सो सकते हैं कि नहीं, जिसको एक्सपीरियंस होगा वो कमेंट करके बताना। मम्मी तो मेरी बोल रही थी थोड़ा बहुत पंखा चालू करके तो सो सकती हो 1 पॉइंट पे, ज़्यादा तेज नहीं प्लस 1 पॉइंट पे। तो अगर आप लोग भी चालू करके, जिसके छोटे बच्चे चालू करके सो रहे होंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि वंदना दी बोली थी अभी मत सो, अभी थोड़ा टाइम है सोने के लिए, अभी बाबू बीमार हो जाएगा। लेकिन गर्मी इतना लग रहा है ना कि बर्दाश्त नहीं होता, और अभी वो ढेकार दिया नहीं है, ढेकार जब तक नहीं देता है तब तक वो सीधा सुला देंगे तो उल्टी कर देगा। अभी तक नहीं दिया, बैक कैमरा करके दिखाते हैं। आ गया ये, अभी देखो बिट्टू नहीं ऐसे नहीं बिट्टू एकदम ऐसे हो जाता है। बिट्टू नहीं मैं बच्चा डुक्कू भैया डुक्कू कर क्या रहा था, काबू में नहीं आ रहा है। अरे डुक्कू भैया डुक्कू नहीं आ रहा, किट्टू काबू में ही है। चलो अच्छा आ जाओ। लिया क्या? हाँ हल्का से लिया है, इसको और कर दो, लेगा दे दो, थोड़ा सा कपड़ा नीचे करो। लेगा ऐसे सहलाओ इस देर से इसको ट्राई कर रहे हैं। डुक्कू ले ले डुक्कू भैया करते रहते हैं इसका, हम लोग ले लेते हैं लेकिन उसका नहीं लिया जाता है। नोजी ऊपर करो, नोजी मत दबाओ, उसका पेट दबना चाहिए, पेट दबेगा तब। ये तो आई नहीं रहा ना सही से, देखो चढ़ा जा रहा है। एकदम चिथिर बिथिर हो जाए। जमाई ले रहा है ना एकदम कसम से, इसे कॉटन होता है, रुई रुई तो एकदम सॉफ्ट, इसका तो पैर है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, सारे बच्चे ऐसे, पहले तो लेने में डर लगता था आपको। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ रहा ना,
ऐसे करते हैं, गर्दन पे हमेशा हाथ रखना चाहिए। अब इसका हाथ दबाते ना, इसलिए इसको ऐसे कर लिए। अब इसको पीछे से सही है, पद्दू मारा है, पा देंगे जरूर। हाँ ढुक्कू लेगा, ये ढुक्कू लेगा, इसको थोड़ा सा हो रहा दिक्कत हमको लग रहा है। अरे इसको सही से करो चेहरा, बाबू ले लो, सो जाता है ना, यही तो इसकी प्रॉब्लम है। अब देखो देखो अब ये कैसे करूं मैं, देख लो उछल कूद मचा रखा है। ऐसे सहलाओ, ऐसे ऐसे पीठ, हाँ तब लेगा। इनका बिस्तर लगा हुआ है और पंखा बंद कर दे, मम्मी को खूब तेज पंखा चालू करके सो रही, हमको भी बहुत तेज नींद आ रही क्योंकि कल भी नहीं सोए थे गाइज। और जब मेरा दिन मेरे सोने का जा रहे थे फिर सो नहीं पाए। हाथ हाथ बाहर निकालो लीलू, हाथ निकालो बेटो, हाथ बाहर कर लो, दब रहे ना हाथ। मम्मी भी थक गई, ढेकार दिक्कत दे, चली चली गई सोने। उसी में चफनता जा रहा है, घुसता जा रहा है, उधर से नहीं, उधर से नहीं हटो, चलो। अरे उधर से नहीं कह रहे ना, नहीं कर रहे आप, चलो देखते कब तक देता है। अभी सुनाएंगे ना, ओ करने लगता है, सो रहा है। सुन लो, मतलब सोते हुए। The next morning, पुछी पुछी कर दिया है, मैंने पाउडर लगा लिया है और मम्मा ने मुझे दूध पिला दिया है। अब नानी मुझे लेके बैठी हुई है और मुझे सुला रही, लेकिन मैं बहुत शैतान हूँ, मैं सोने का नाटक कर रहा हूँ, फिर मैं उठ जा रहा हूँ। तो आज मैंने कुछ इस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, भगवा कलर का, लेकिन मेरे को पैर में पहनाते हैं तो मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज्यादा बंधे रहना। मुझे सर पे सब पहनाते हैं तो मैं कैप भी निकलवा देता हूँ, हैंड वाला भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि इसके लिए भी मैं रोना शुरू करूँ ताकि मुझे ये भी न पहनाया जाए। ना ना तो मेरे 1500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे, तो आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत प्यार दे रहे हो आप सब लोग। तो जिन जिन लोगों ने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया हुआ, तो मेरा इंस्टा आईडी है सन ऑफ अमित एंड किट्टो जायसवाल, मेरा फेसबुक आईडी है सन ऑफ अमित एंड किट्टो जायसवाल, हर जगह वही नाम से है। तो प्लीज प्लीज जाए मुझे फॉलो करें, मैं डेली अपने अपडेट्स देता रहता हूँ, ताकि गाइज मैं डेली बड़ा होऊंगा, एक एक दिन मेरा चेहरा चेंज होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे डेली देखो। जब मैं बड़ा हूँ तो आप सब लोग बोलो कि ए भैया जब तुम छोटे से थे ना, हम तब से तुम्हें देख रहे हैं। देखो मैं रोऊंगा अगर आप सब लोग मुझे फॉलो नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो ना फॉलो क्या? बाबू अच्छा 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 फॉलो करोगे, ठीक है ठीक है। तो मेरा ये वाला ब्लॉग आज का कैसा लगा, क्योंकि अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। नहीं वैसे तो गुड मॉर्निंग ही है, लेकिन मेरे लिए तो गुड नाइट ही रहती, क्योंकि मैं दिन भर सोता रहता हूँ। और मम्मा जल्दी से मेरे लिए दूध लेके आओ, गुड नाइट, बाय बाय, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग ना सुबह से इतना ज्यादा काम था, 2 बजे फ्री हुए हैं और ऑफिस भी नहीं जा पाए क्योंकि रात भर तो नींद नहीं आई। पहले बाबू सोया नहीं ना, मम्मी पापा को सोने दिया। मेरे को मत छुओ। क्यों ना छुए तुमको? क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत पेन है और आई नहीं मालिश करने वाली, जिससे धो के बाहर निकल गई। आएगी आएगी। तो गाइस देखिए घर एकदम मस्त चिकनवा दिया हम लोगों ने, एकदम साफ लग रहा होगा ना। पहले तो मम्मी ने सुबह 2 बार झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने 4 बार पोछा मारा है, 4 बार पोछा मारा है, फिर भी पर इसमें से ना व्हाइट सीमेंट अभी भी निकल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया ना, तो ऐसे करने पर ना वाइट वाइट सा लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक घर एकदम मस्त सा ना हो जाए ना, एकदम फील नहीं आता है मुझे, एकदम घर मुझे ना एकदम साफ सुथरा चाहिए होता है। और किट्टो का भी ऐसा है, किट्टो को भी एकदम साफ सुथरा, साफ सफाई पसंद है, और मुझे भी साफ सफाई बहुत पसंद है। ये वाला कमरा भी हमने सेट कर दिया है, तो अभी ये बेड का थोड़ा सा काम हमें कराना, क्योंकि हमारा पुराना वाला बेड है, इससे बेड है, इसको थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा चेंज करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर तक मैच कराएंगे, ऐसा बनवाएंगे थोड़ा सा, इस रूम को बाद में करवाएंगे थोड़ा सा। और बेबी के लिए बेसिकली इस रूम का, और स्टडी टेबल इसी रूम में है, तो इस पर मैं अपना काम वाम करता हूँ बैठ करके, तार वार वहाँ लपेट दिया हूँ, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन जो है इस साइड है थोड़ा सा। और बाथरूम में भी पूरा टाइल्स वगैरह का पूरा फॉर सीलिंग बोल रहा हूँ, ग्राउटिंग का काम हुआ है। किट्टो आज क्या क्या खाना बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है? मेथी की सब्जी, दाल, चावल।
मेथी की सब्जी, दाल चावल बन जाता लेकिन मेरे बच्चे की क्या जरूरत है, हम लोग को दाल तो चाहिए ही चाहिए। नहीं वैसे ऐसे कुछ होता है, आप खाते भी तो नहीं, आपके नखरे भी तो इतने सारे। मेरे क्या नखरे भाई है, मेरे क्या नखरे हैं, वो शाम वाली सब्जी ने मुझे दे देना, ये इसको ढक के नहीं रखी थी क्या। निकल चुका है और हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो आजकल तो सबका ब्लॉग देते, भाई सचिन भाई का ब्लॉग लगा रखा है, सचिन भाई का ब्लॉग देखेंगे, वही का लेटेस्ट ब्लॉग आया है। और किट्टो यहाँ पे खाना सैलेड भी निकाल रही है, सैलेड काट दी, फिर फटाफट खाना खाते, मम्मी आप भी आ जाओ, अभी हम लोगों में से किसी ने नहीं खाया है। चलो आज हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा खाओ, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा है वो, रुको लाइट ऑन कर देते हैं। चलो खाते हैं फिर बात करते हैं। गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और खा पी करके क्या देख रहे हो तुम, ये देखो मेरे शादी के पहले गए भाई साहब, क्या लड़का लग रहा है, कौन है ये? मेरा पति है। मेरा पति है, हाँ मम्मी, मम्मी के दफा यही देख करके वीडियो शादी के लिए आ गई थी यार, यहीं से आपकी बात चली थी, मेरे हमारे यहाँ नहीं चला था, यहीं थोड़ा सा प्ले करो। रुक रुक रुक, हाँ भाई साहब लड़का लग तो रहा है कुछ। किट्टो क्या कह रही थी, कह रही थी ऐसे ही बन के, ऐसे नहीं रहते आप यार, देखो पेट वेट निकल गया थोड़ा सा, पहले देखो पेट वेट, चावल तो बिल्कुल, देखो पेट वेट बिल्कुल अंदर था, चावल का लड़का दाढ़ी शेविंग, चावल बिल्कुल मत खाया करो। अच्छा और बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान दो। अच्छा और क्या, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, स्मार्टनेस कपड़े, कपड़े भी तो मना करती हूँ मत खरीदो। नहीं मैं नहीं मना करती, फल जब महंगा खरीदते तब मना करती। अच्छा ओहो, इस पता है रात भर हम लोग सही से सो नहीं पाए बापू को, जैसे तभी वो लोग बोलते हैं माँ बाप बनना आसान नहीं है, बच्चा जब तक पेट में रहता तो सही रहता, जब बच्चा बाहर आ जाता है ना उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। अभी सो रहा है बापू का, वो अभी तक तो वहीं थे। तो गाइस इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलार इसने जरूर दीजिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।